नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बीच एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि महाराष्ट्र की महायुति का अंत महादुखी होगा। अखिलेश ने लिखा है कि आपकी जागरूकता से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र को भाजपा की साजिशों से भरी, तोड़फोड़ की नकारात्मक राजनीति और सांप्रदायिक सियासी दांवपेचों से मुक्ति दिलाएगा। संयुक्त विपक्ष की सकारात्मक रणनीति और परस्पर समायोजन को भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति समझ ही नहीं पा रही है। कन्नौज से सांसद ने लिखा, महाराष्ट्र के भाजपाई षड्यंत्र का खुलासा महाराष्ट्र की जनता के सामने हो गया है। भाजपा ने महाराष्ट्र के समाज के ऐतिहासिक सौहार्द और भाईचारे को भी तोड़ा है और राजनीतिक दलों को भी। भाजपा चाहती है कि महाराष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि महाराष्ट्र के हाथ से देश के आर्थिक नेतृत्व की लगाम छीन कर किसी और के हाथ में दी जा सके। महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने वाले मीडिया कर्मियों के बीच आई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना भाजपा की इस चाल को कामयाब नहीं होने देगी। सपा चीफ ने लिखा कि महाराष्ट्र के मान सम्मान, रोजी रोटी, रोजगार, व्यापार और कारोबार के दुश्मनों को महाराष्ट्र के लोग हराएंगे। दागी और दगा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के संगी साथियों को करारी शिकस्त मिलेगी। भाजपाई महाभ्रष्टाचार के महापुरुषों की मूर्तियों तक को नहीं छोड़ा है, बच्चियों के मान को भंग करने वालों को राजनीतिक प्रशय दिया है। महाराष्ट्र की जागरूक और तरक्की पसंद जनता की संयुक्त शक्ति भाजपाई धोखेबाजी और खोखेबाजी दोनों को परास्त करेगी। उन्होंने लिखा, संयुक्त और संगठित राजनीतिक रणनीति से भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के महादुखी काल का अंत होगा। महाराष्ट्र के दुश्मनों को हराने के लिए और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वचनबद्ध और संकल्पबद्ध। ऐसे में अखिलेश यादव की इस चिट्ठी से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो जिस तरह से अखिलेश यादव MVA के गठबंधन में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, और ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को भी मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव लगातार महाराष्ट्र में बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में मौजूदा महायुति की सरकार वापसी करती हुई नजर आएगी या फिर विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद MVA अपनी सरकार बनाने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।